नमस्कार, सभी का स्वागत अभिनंदन। आइए पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर के, और आज मैं अपने विचारों को यहाँ से आरंभ करना चाहूँगी कि आप लोगों ने यदि भारतीय आयुर्वेद के बारे में कुछ पढ़ा है, समझा है, चरक और महर्षि सुश्रुत की व्यवस्था को जाना है, तो हम लोगों को अक्सर वहाँ पर पढ़ने को मिलता है यदि कोई व्यक्ति रोगी है, उस रोगी के निदान के लिए किन किन औषधियों का प्रयोग किस किस रोग में किया जाए, ये संपूर्ण व्यवस्थाएं आयुर्वेद में हैं। लेकिन वैदिक विज्ञान की या हमारे ऋषियों की जो दूरदर्शिता है वो बड़े कमाल की है। कारण कोई व्यक्ति रोगी है, उस रोगी के लिए किस प्रकार की औषधियाँ होना चाहिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण और विचारणीय विषय है। लेकिन वो रोगी हुआ ही क्यों, वो बीमार पड़ा ही क्यों, इसका चिंतन बहुत जरूरी है। इसलिए यदि आप लोग भारतीय योग को देखेंगे और आयुर्वेद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर रोगी होने के पश्चात चिंतन किया जाए ऐसा नहीं है, अपितु हम रोगी हो ही ना, इसका चिंतन वहाँ पर दिया जाता है और किया जाता है, उसी को योग भी कहा जाता है। आज मैं इस विषय को इसलिए लेकर के बैठी हूँ, भारतवर्ष गुलाम हुआ और गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए देशभक्तों ने कितना पुरुषार्थ किया, कितनी मेहनत की, कितने एफर्ट्स लगाए, तब जाकर के शायद हम लोगों को ये आज़ादी मिली, ये स्वतंत्रता मिली। जिन जिन देशभक्तों ने अपने रक्त को पानी की तरह बहाया है, या जिन जिन देशभक्तों ने अपनी गर्दनों को गाजर मूली की तरह कटाया है, या जिन जिन देशभक्तों ने अपने माता पिता के विचारों की, उनके ममत्व की आहुति देकर के अपने सर्वस्व को इस राष्ट्ररूपी यज्ञ में होम किया है, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि उनका वो बलिदान बहुत छोटा है। निश्चित वो बलिदान इतना बड़ा है कि मेरे शब्दकोश में वो शब्द नहीं है जिन शब्दों के माध्यम से मैं उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि ज्ञापित कर सकूं। देश गुलाम हुआ, उसको आज़ाद कराने के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने ताकत लगाई, वो ताकत किस प्रकार लगाई और किस प्रकार हमें आज़ादी मिली, ये विचार हम करें। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस विषय पर भी विचार होना बहुत जरूरी है, आखिरकार देश गुलाम हुआ ही क्यों, वो कौन से कारण थे जिसने उस देश को गुलाम बना दिया, जिस देश ने सृष्टि की आदि से लेकर के महाभारत पर्यंत तक पूरी दुनिया पर राज किया हो, आखिरकार वो कौन से कारण थे जिन कारणों ने उस धरती को, उस भूमि को गुलामी की जंजीरों में बांध दिया, जिस देश के विषय में कवि महर्षि मनु ने घोषणा की थी कि एतद् देशे प्रसूतस्य सकाशा दग्र जन्मनः स्वयं स्वयं चित्रण शिक्षेरण पृथिव्याम सर्व मानवः, अर्थात कितनी ऊंची स्थिति मेरे देश की थी कि महर्षि मनु ये कह रहे हैं गर्व के साथ में कि विदेशों के लोग भी यदि आते थे तो यहाँ के ऋषि मुनियों के चरणों में अपने माथे को रख करके जाते थे, नमन करके जाते थे। ये देश इतना महान, इस देश की शिक्षाएं इतनी महान, इसका चरित्र इतना महान, ये देश कितना महान रहा होगा कि जिस देश के लिए महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समुल्लास से पहले जो अनुभूमिका लिखी उसमें ये स्पष्ट कहा कि पारसमणि नाम का एक पत्थर सुना जाता है पर वो होता नहीं। और आप सब जानते होंगे कि पारसमणि कहा जाता है जिसको लोहे से लगा दे तो लोहा भी सोना बन जाए। ऋषि क्या कहते हैं, पारसमणि नाम का पत्थर सुना तो जाता है पर होता नहीं, लेकिन ये भारत ही वो सच्चा पारसमणि है जिसको छूते के साथ लोह रूप दरिद्र विदेशी भी स्वर्णमय हो गए। एक बार भारतवासी चिंतन जरूर करें कितनी ऊंची स्थिति मेरे इस देश की रही होगी, पर आखिरकार वो कौन से कारण थे जिन कारणों ने इस देश को गुलाम बना दिया, और मैं समझती हूँ केवल गुलाम बना नहीं अपितु आज तक भी वो मानसिक गुलामी भारतीयों के मस्तिष्क पर मुझे स्पष्ट रूप से नजर आती है।
आज शारीरिक रूप से हम भले ही अपने आप को स्वतंत्र कह दें, लेकिन मानसिक रूप से हम कहीं ना कहीं आज भी गुलाम हैं। आप कहोगे कैसे? आखिरकार वो कौन से कारण हैं जो हमारे देश को खोखला कर रहे हैं? मैं समझती हूँ सबसे पहला कारण है जातिगत। जाति को इस देश के अंदर महत्व दिया जाता है, पर वो महत्व कैसा महत्व है? जितना मुझे सुनने में आया, मुझे लगता है लगभग लगभग जो सर्वे किया गया संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर, लगभग 2278 जातियां वो हैं जिनको आपको सुनने में देखने में कई बार आप लोगों का पाला पड़ चुका है। जब भी मेरे इस देश का कोई व्यक्ति चुनाव की स्थिति के सामने आता है और किसी व्यक्ति को अपना महत्वपूर्ण मत देने के लिए जाता है, तो वहाँ पर वो यह नहीं देखता यह व्यक्ति देशभक्त है या नहीं, यह व्यक्ति चरित्रवान है या नहीं है, यह व्यक्ति समाज और राष्ट्र का कल्याण करने वाला है या नहीं है। वहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ देखी जाती है वो जाति देखी जाती है, ये मेरी जाति का है या नहीं। और यदि मेरी जाति का है तो भले ही वो क्रिमिनल भी क्यों ना हो, भले ही वो व्यक्ति चरित्र से दूषित भी क्यों ना हो, भले ही वो व्यक्ति विचारों से दूषित भी क्यों ना हो, भले ही वो व्यक्ति अयोग्य क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसको चुन करके गद्दी पर बैठा दिया जाएगा। जबकि आप सब जानते हैं धृतराष्ट्र अयोग्य था, राजा बनने की कोई योग्यता उसमें नहीं थी। उस अयोग्य व्यक्ति को भारत के सिंहासन पर बैठाया तो परिणाम महाभारत का युद्ध निकला, और वो महाभारत का युद्ध इस भारत की संस्कृति को इतना बड़ा धक्का देकर के चला गया, आज तक ही आपकी अपनी पूर्ण स्थिति में आ नहीं पाया है, और मुझे लगता है शायद संभावना भी न बन पाए यदि हम लोगों की यही स्थिति रही तो। तो यदि एक अयोग्य राजा का चुनाव करने से महाभारत जैसे युद्ध का परिणाम हम लोगों को देखने को मिल सकता है, तो जरा चिंतन कीजिएगा। जब इस देश का व्यक्ति किसी ऐसे अपराधी मानसिकता वाले व्यक्ति को चुन करके अपने ऊपर बैठा देता है, तो कहाँ से देश की स्थिति को आप अच्छा बना करके चलेंगे? कहाँ से आप उन कारणों को समाप्त कर पाएंगे? जरा विचार करें, जरा चिंतन करें। जबकि जाति की परिभाषा बड़ी सीधी सीधी महर्षि पतंजलि ने की है, समान प्रसवा आत्मिका जाति, जिसके जन्म लेने की प्रक्रिया एक सी है वो उसी जाति का है। जैसे संपूर्ण भूमंडल पर गाय के जन्म लेने की प्रक्रिया एक है, हम गाय जाति के नाम से पुकारते हैं, संपूर्ण भूमंडल पर घोड़ों के जन्म लेने की प्रक्रिया एक है तो हम उन्हें एक नाम से पुकारते हैं, ठीक वैसे ही समस्त भूमंडल पर मनुष्यों के जन्म लेने की प्रक्रिया एक है तो हम उसे भी एक ही नाम से पुकारें। मानव जाति जैसे गाय एक जाति है, अश्व एक जाति है, स्वान एक जाति है, वैसे ही मानव भी एक जाति है। तो क्या ये कारण हमारे मध्य से समाप्त हो गया? बिल्कुल नहीं, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। दूसरी मानसिकता, पश्चिमी सभ्यता को महत्व प्रदान करना और अपनी संस्कृति को छोटा मान लेना, पश्चिम की चीज़ों को ज़्यादा महत्व देना, अपनी चीज़ों को छोटा और हीन मान लेना। आप सब जानते हैं वर्तमान समय में चाइना के साथ जो बॉर्डर पर हमारी तनातनी चल रही है, आप लोगों को सोशल मीडिया पर बहुत से मैसेज आते होंगे, आप लोग रोज पढ़ते होंगे, आज निर्णय लिया गया, आज ये कहा गया स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी चीज़ों को अपनाओ। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं स्वरोजगार की भावना को अधिक भरा जाए, जो देश में बना हो उन्हीं चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, जब बॉर्डर के ऊपर तनाव की स्थिति होती है, ये स्वदेशी शब्द हमें तभी याद क्यों आता है? ये हमें पहले याद क्यों नहीं आता? ये तब रोग बढ़ जाता है तो हमें औषधि लेने का ख्याल तभी क्यों आता है? रोग हो ही ना, औषधि लेने की आवश्यकता पड़े ही ना, हम पहले से ही अपने आप को इतना स्ट्रोंग बना करके बैठ जाए कि वो बीमारी हम पर प्रभाव कर ही ना पाए, ये पहले हमारे मस्तिष्क में क्यों नहीं आता? कोरोना की बात इतनी चल रही है, आप सब जानते हैं कोरोना एक हवा आज बन चुका है, फिर भी बात क्या निकल करके आई, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है, जो अंदर से स्ट्रोंग है उसको ये प्रभावित नहीं करेगा, जो अंदर से
पहले से ही बीमार हैं, जो अंदर से पहले से ही कमजोर है, उसको ये छोड़ेगा नहीं। सीधे सीधे पता लग गया, अगर अंदर से कमजोर है, खोखला है, तो छोड़ेगा नहीं, अंदर से मजबूत है और दृढ़ विश्वासी है तो छेड़ेगा नहीं। तो मैं सीधे सीधे इस उदाहरण को वहां पर जोड़ना चाहती हूं, जो व्यक्ति अंदर से अपने विचारों को लेकर के, संस्कृति को लेकर के, सिद्धांतों को लेकर के मजबूत है, उसको ये विचारधाराएं कभी भी छेड़ नहीं सकती। और जो व्यक्ति अंदर से पहले से ही कमजोर, पहले से ही खोखला हो करके बैठा है, उसको ये छोड़ नहीं सकती। इस अंतर को आप लोगों को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा और गहराई से समझ करके ये विचार करना पड़ेगा कि जो अंदर की कमजोरी है, हम उसको थोड़ा सा दूर करने का प्रयास करें। वो कमजोरी हमारी मानसिकताओं में भी है, वो कमजोरी हमारे आत्मिक बल में भी है, और वो कमजोरी हमारे विचारों में भी है। सुबह से लेकर के शाम तक के चिंतन में आप जो भी कार्य करते हैं, जो भी आपका व्यवहार है, जो भी आपकी दिनचर्या है, आप उसमें कितनी विचारों को अपने देश के साथ, अपने समाज के साथ जोड़ करके चलते हैं, और कितने विचारों को आप अपने व्यक्तिगत रूप में जोड़ करके चलते हैं, इसका चिंतन करना सीख लिया करें। अगर आप लोग सुबह से लेकर के शाम तक जो व्यवहार, जो कार्य आप करते हैं, उन कार्यों के अंदर अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश को महत्व दे करके चलते हैं, तो मैं समझती हूँ ये देशभक्ति है। और ये देशभक्ति आप लोगों पर कभी भी आँच नहीं आने देगी। यही देशभक्ति आपको, आपके समाज को, आपके देश को मजबूत बनाएगी, क्योंकि लड़ाई केवल और केवल बंदूकों से नहीं लड़ी जाती, विचारों की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई होती है। इस उदाहरण को अगर सीखना हो तो जापान जैसे छोटे देश से सीख लीजिए। 100 वर्ष के बूढ़े से लेकर के 5 वर्ष के बच्चे तक, या 5 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष तक के बूढ़े तक, उनकी रगों रगों में देशभक्ति भरी हुई मिलेगी। इसलिए वो देश अमेरिका तक को आंखें दिखाने की ताकत रखता है। मैं समझती हूँ वर्तमान में कुछ स्थितियाँ उस प्रकार की हुई कि भारत की जो छवि है वो विश्व के पटल पर कुछ दूसरे रूप में उभर करके आई है, लेकिन उस दूसरे रूप को भी हमें कहीं ना कहीं संभालना होगा, क्योंकि सारी जिम्मेदारी किसी नेता की या किसी पार्टी की नहीं होती, व्यक्ति व्यक्ति का दायित्व होता है, व्यक्ति व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। व्यक्ति व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझे, व्यक्ति व्यक्ति अपने दायित्व को समझे। और मैं यही कहना चाहूँगी, अपनी इम्यूनिटी को तो मजबूत बनाए ही कोरोना से बचने के लिए, लेकिन अपनी वैचारिक इम्यूनिटी को भी इतनी मजबूत बनाए जो कहीं ना कहीं हमारी देश की जड़ों को सुरक्षित रखे, ताकि जयचंद मीर जाफर जैसे गद्दार यहाँ पर पैदा ना हो और पुनः ऐसी स्थिति ना बने। गद्दारों की पहले भी कोई कमी नहीं थी, गद्दारों की आज भी कोई कमी नहीं है, लेकिन जब व्यक्ति के अंदर देशभक्ति होती है तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं गद्दारों का वो प्रभाव दब करके रह जाता है। उसके लिए एक ही बात मुझे याद आती है कि बहती नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही, लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ कर लाओ तो तुम, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, आओ हम वो बाती जला करके चलें। रोगी हम न बने, ऐसी फिर से कोई संभावना न बने, उसके लिए पहले से ही स्वदेशी विचारों को, स्वदेशी वस्तुओं को और स्वदेशी सिद्धांतों को अपना करके चलें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों, मेरा निवेदन है मिशन आर्यवर्त यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध मिशन आर्यवर्त ऐप को जरूर डाउनलोड करें।